किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। कांग्रेस की अगली सूची में किशनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो सकती है। इस बार किशनगढ़ सीट से कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र गुप्ता भी प्रमुख दावेदारों में से एक है। राजेंद्र गुप्ता को टिकट देने की मांग को लेकर कई संगठन एकजुट हुए और उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में राजनीतिक दलों से टिकट लेने के लिए प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में किशनगढ़ विधानसभा सीट से पीसीसी सदस्य राजेंद्र गुप्ता दावेदारी जता रहे हैं। सर्व समाज सहित मुस्लिम समुदाय भी उनकी दावेदारी को लेकर पूर्ण समर्थन में उतर गया है। इसको लेकर जनरल कमेटी मुस्लिम समाज समिति ने AICC को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता को टिकट देने की मांग की। मुस्लिम समुदाय ने राजेंद्र गुप्ता को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सदर मुस्लिम समाज के हाजी शफी मोहम्मद ने समिति की ओर से पत्र में कहा कि राजेंद्र गुप्ता किशनगढ़ क्षेत्र में विगत 30 सालों से पार्टी की तन मन से सेवा कर रहे हैं, लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो मुस्लिम समुदाय पूर्ण समर्थन देगा। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के सहमति बनाई है कि इस बार राजेंद्र जी गुप्ता एक ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो पब्लिक चाहती है, झंडा एक है किशनगढ़ के लोगों में विश्वास है राजेंद्र जी गुप्ता के प्रति, तो इनको टिकट दिया जाए। हम सब लोग सहमत हैं और ऐसे RSS की विचारधारा के लोग जो भाजपा के लोगों के, जिनके अभी तक तो इनका माइंड वॉश भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, ऐसे लोगों को अभी टिकट देना बहुत जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि राजेंद्र राजू गुप्ता के समर्थन में कांग्रेस नेता एकजुट हैं। मुस्लिम समुदाय के अलावा अजमेर वैश्य समाज ने भी बैठक कर 8 विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता को किशनगढ़ से टिकट देने की मांग उठाई। दरअसल ये मांग इसलिए की जा रही है कि हाल ही में भाजपा से बागी होकर युवा नेता विकास चौधरी ने प्रियंका गांधी की सभा में कांग्रेस ज्वाइन की, जिसके बाद से यहाँ टिकट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने पर विकास चौधरी का स्वागत जरूर किया, लेकिन पैराशूट को प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलों को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी भी है। जाट समाज से दावेदार जगदीश गोरा, विश्राम चौधरी सहित अन्य दावेदार भी राजेंद्र गुप्ता के समर्थन में दिख रहे हैं। किशनगढ़ से करीब 39 टिकट दावेदार टिकट की रेस में हैं, लेकिन इन सब में कांग्रेस संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं में पकड़ और वर्तमान समीकरण के चलते राजेंद्र गुप्ता जीत के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। जाट समाज के जितने भी दावेदार थे किशनगढ़ विधानसभा से, हमने एक राय होकर माननीय श्री राजेंद्र जी गुप्ता पर सहमति जताई है और हमारे सब भी जाट दावेदारों की दिल से यही भावना है कि इस बार की संगठ विधानसभा से राजेंद्र जी गुप्ता को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए। आला कमान से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी जाट समाज के जो प्रत्याशी उम्मीदवार संभावित है, वो हम सब पूर्ण सहमति से राजेंद्र जी गुप्ता का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रभा ठाकुर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राजेंद्र यानी राजू गुप्ता को विधानसभा प्रत्याशी बनाने की पुरजोर मांग की। आपको बता दें कि पीसीसी सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र राजू गुप्ता सचिन पायलट की खास माने जाते हैं। यही नहीं, गुप्ता लंबे समय से कांग्रेस संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों और स्थानीय लोगों में भी राजू गुप्ता को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि मजबूत दावेदारी के बावजूद कांग्रेस पार्टी किशनगढ़ से टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशी राजेंद्र गुप्ता पर भरोसा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।